ये जो बिन देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की गवाही देना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इकरार करना, आपकी नबूवत को तस्लीम करना, क़ुरान मजीद के ऊपर ईमान लाना, ये जो बिन देखे सौदा हमने किया है, ये बहुत कीमती सौदा है। हमें अभी इसका एहसास नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ ये बहुत कीमती है। हारून रशीद एक बादशाह गुज़रा है, नेक बादशाह था। उसने एक मरतबा अपना एक महल तामीर करवाया दरिया के किनारे पर। वो इस अंदाज़ में था कि जिसका फ्रंट हिस्सा तो शहर की जानिब खुलता था, लेकिन उस महल का जो बैक डोर था, बैक साइड जो थी, वो दरिया के किनारे के साथ थी। तो उसके दो फ़ायदे थे, एक तो ये कि बैक साइड से कोई हमला नहीं कर सकता था क्योंकि दरिया था, और दूसरा ये कि कभी कभी बादशाह हारून रशीद अपनी बीवी के साथ चहलकदमी के लिए दरिया के किनारे पर निकल पड़ता था, तो कोई सिक्योरिटी का मसला भी नहीं होता था। तो एक दिन इसी तरह हारून रशीद जो है वो अपनी अहलिया के साथ दरिया के किनारे जा रहा था, तो वहाँ पर उसने देखा कि दरिया के किनारे एक बुज़ुर्ग उस वक्त के थे जिनका नाम था बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, वो बैठे हुए हैं, और वहाँ जो दरिया के करीब की मट्टी है उस मट्टी से वो घर बना रहे हैं जैसे बच्चे घर बनाते हैं। तो हारून रशीद उनकी मोहब्बत करता था, उनका अदब करता था, करीब आया, आके कहने लगा, बहलोल क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, बादशाह सलामत घर बना रहा हूँ। क्यों बना रहे हो? बादशाह सलामत जो ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाएंगे। बहलोल कीमत क्या है? बादशाह सलामत एक दीनार। तो बादशाह समझा कि ये एक मस्त मौजी बंदा है, तो एक जहाज़ है जो परवाज़ कर रहा है। तो बादशाह ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, बस मुस्कुराया और आगे चल दिया। पीछे बादशाह की बीवी जो मलका थी वो आई, सलाम किया, बहलोल क्या कर रहे हो? घर बना रहा हूँ। क्यों बना रहे हो? मलका साहिबा जो ख़रीदेगा दुआ करूँगा, अल्लाह उसके बदले जन्नत में घर देगा। कीमत क्या है? एक दीनार। तो मलका ने एक दीनार दिया कि बहलोल दुआ कर देना, चल पड़ी। अब हुआ ये कि वो दिन तो गुज़र गया, जब रात आई तो बादशाह हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब देखा कि एक बहुत खूबसूरत जगह है, और उसको बताया गया कि ये जगह जन्नत है। तो उसने सोचा कि मैं जन्नत में हूँ तो मैं जन्नत के नज़ारे तो देखूँ। तो वो देखने लगा तो वहाँ पर उसने देखा कि एक रूबी का बना हुआ पूरा महल है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जब वो करीब हुआ तो उस दरवाज़े के ऊपर उसकी बीवी का नाम लिखा हुआ था, तो वो समझ गया कि ये मेरी बीवी का महल है, तो चलो मैं देखूं। जब वो दरवाज़े पर पहुंचा तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने रोक दिया कि भाई कौन है, कहाँ जा रहे हैं? बताया कि जिसका नाम लिखा हुआ है उसका खावंद हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी के महल को अंदर से देख लूँ। उसने कहा, भाई हमारे यहाँ का दस्तूर है कि जिसका नाम लिखा है वही जा सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। तो ये कह के सिक्योरिटी गार्ड ने जो बादशाह को धक्का दिया तो उसकी आँख खुल गई। अब उठा और सोच में पड़ गया कि बादशाह तो मैं हूँ लेकिन अकलमंद मेरी बीवी निकली। उसने बहलोल से लगता है दुआ करवा ली और अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा ली। अब बादशाह के लिए दो परेशानियाँ, एक परेशानी कि मेरी बीवी ज़्यादा अकलमंद निकली, उसने दुआ करवा ली और कबूल हो गई, दूसरी कि बीवी मेरे से अकलमंद निकली। मर्द के लिए ये फैसला कबूल करना बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी बात का डिसीजन नहीं कर सका और उसकी बीवी ने कर लिया। ये मर्द को जो है ना ये बात हजम नहीं होती। अब वो बादशाह था, उसको कैसे हजम होती? अब खैर, सारा दिन जो उसने काम निपटाने थे वो निपटाए, और वुज़रा को, मशीरों को मिला, लोगों को मिला, लेकिन उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। जहन वहीं पर था कि ये क्या होगा, क्या होगा। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि मैं आज भी जाता हूँ, मुमकिन है कि आज भी बहलोल वहाँ मिल जाएं, तो आज तो मैं उनसे दुआ करवा ही लूँगा। खैर, शाम का वक्त हुआ, बहलोल की ढूंढ तलाश में बादशाह अपनी बीवी को लेकर दोबारा चहलकदमी में निकला, तो अब नज़रें देख रही हैं बहलोल कहाँ बैठा है, बहलोल कहाँ बैठा है।
अचानक नज़र पड़ी कि बहलोल दाना वहाँ बैठे हैं। करीब आया, बहलोल क्या कर रहे हो? घर बना रहा हूँ। क्यों बना रहे हो? जो ख़रीदेगा दुआ करूँगा जन्नत में उसको महल मिलेगा। बहलोल कीमत क्या है? बादशाह सलामत पूरी दुनिया की बादशाही। अब हारून रशीद परेशान, उसने कहा कि बहलोल कल तो एक दीनार था, आज पूरी दुनिया की बादशाही। मैं अगर देना भी चाहूँ तो मैं पूरी दुनिया का बादशाह तो नहीं हूँ, तो इतनी कीमत तो मैं दे नहीं सकता। तो बहलोल एक ही दिन में इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ क्यों गई? तो बहलोल ने फरमाया, बादशाह सलामत, कल बिन देखे सौदा था, आज देखा हुआ सौदा है। तो ये जो आज हम बिन देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की गवाही दे रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत मकबूल है, बहुत अजमत वाली चीज़ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर जब तोहमत लगी तो एक बच्चे ने गवाही दी। फिर उनके साथ हालात और वाक़यात ऐसे हुए कि वो जेल में गए और फिर बड़े हो गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वहाँ पर बादशाह बनाया, नबूवत भी अता फरमाई। तो अब वहाँ पर उनके इलाके में कहत आ गया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यूँ किया कि जो गंदम थी उसको स्टोर कर लिया कि जो बंदा आएगा इस कहत के दौर में वो अपने घर के अफराद बताएगा, जितने अफराद होंगे उतनी बोरी के हिसाब से उसको गंदम दे दी जाएगी। अगर 10 अफराद हैं तो 10 बोरियां उसकी कीमत जो है वो उससे ले ली जाएगी। अब ये तरतीब बन गई, कहत है पूरे मुल्क में और लोग आ रहे हैं गंदम ले रहे हैं। इतने में एक बच्चा आया, आके कहने लगा कि मैं गंदम लेना चाहता हूँ। भाई कितने अफराद हैं घर में? इतने अफराद हैं, उसको उतनी बोरियाँ दे दी गई। कहता नहीं, मुझे और चाहिए। तो उन खादिमों ने कहा कि भाई ये हमारी कस्टडी में नहीं है, अथॉरिटी नहीं है हमारी कि हम आपको और दे सकें। वहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाया, आप उनके पास चले जाएं, वो हुक्म देंगे, जितना देंगे हम उतना दे देंगे। वो बच्चा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया और आके कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे और गंदम मिले। उन्होंने कहा, उन्होंने दी तो है। कहता बिल्कुल दी, बट और चाहिए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई इसको कुछ बोरियाँ और दे दो। वो बच्चा बाजीद हो गया, मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए। तो वो बड़े हैरान, उनका खुदा के बंदे उन्होंने भी दी गंदम, मैंने भी तुझे और ज़्यादा दे दी, अब इतनी ज़्यादा तो गंदम नहीं दे सकता। तो उस बच्चे ने आगे से जवाब दिया कि हज़रत अगर आपको पता चल जाए ना कि मैं कौन हूँ तो आप मुझे बहुत सारी गंदम दें। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? कहने लगा कि मैं वो बच्चा हूँ जिसने बचपन में आपकी पाक दामनी की गवाही दी थी, अब बड़ा होकर जवान हो गया हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार आया कि इस बच्चे की वजह से मेरी पाक दामनी मानी गई और इसने गवाही दी। तो उनके दिल में आया कि मैं जो कर सकता हूँ इसके साथ कर गुजरूँ। उन्होंने बहुत सारी उसको गंदम दी। अब ज़ाहरी बात है वो बच्चा तो इतनी गंदम लेकर जा नहीं सकता था, तो साथ में खुदाम भी दिए कि सवारियाँ भी दी कि ये सारी गंदम इसके घर तक पहुँचा दी जाए। जब इतना इज़्ज़त वाला मामला हुआ तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, मेरे प्यारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इस बच्चे के साथ इतना महबूबाना अंदाज क्यों इख्तियार किया? ऐ अल्लाह, इसने मेरी पाक दामनी की गवाही दी थी तो मुझे इस पर इतना प्यार आया, मेरा दिल चाहा कि जो मैं इसको दे सकता हूँ वो दे दूँ। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, मेरे प्यारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, फिर गवाह रहना, जो दुनिया में मेरी वहदानियत की गवाही देगा जब वो मेरे पास आएगा फिर मैं उसको वो दूंगा जो मैं दे सकता हूँ। तो ये जो बिन देखे गवाही देना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना रब मानना, अपना राज़िक मानना, अपना खुदा माबूद मानना, ये बहुत कीमती नेमत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुर्ब क़यामत में तुम देखोगे कि एक वक्त आएगा कि एक आदमी सुबह उठेगा ईमान वाला होगा, रात सोने के लिए बिस्तर पर जाएगा ईमान से खाली होगा। उसकी वजह क्या होगी? कि उनके दिल में इस ईमान की कदर कीमत नहीं होगी, वो इसको समझ नहीं सकेंगे कि हमारे पास कितनी कीमती चीज़ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं छोटा बच्चा था तो मेरी वालदा ने मुझे एक सोने की या चांदी की अंगूठी बना कर दी। मैंने पहनी और बाहर निकला तो मुझे एक ठग मिल गया। अब उसने देखा कि बच्चा छोटा है, हाथ में कीमती अंगूठी है, तो इससे किसी तरीके से ली जाए।
तो वो फरमाते हैं मेरे पास आया और मुझे आके उसने गुड़ की डल्ली दी और कहने लगा बच्चा इसको चखो। मैंने चखा तो बहुत मीठी। फिर कहता है अपनी अंगूठी को चखो। फरमाते हैं मैंने मुंह में डाला बिल्कुल फीकी। तो वो ठग कहने लगा कि बच्चा ये मीठी चीज़ ले लो, इसके बदले ये फीकी चीज़ मुझे दे दो। फरमाते हैं मैं बच्चा था, मैंने गुड़ की डल्ली ले ली और वो अंगूठी निकाल कर उसको दे दी और बड़ा खुशी खुशी जो है घर आ गया। वाले साहब ने देखा तो पूछा बच्चा अंगूठी कहाँ है। तो मैंने सारा वाक्या सुना दिया। तो वाले साहब ने फिर मुझे एक बात समझाई कि बेटा आपको उस अंगूठी की कीमत का अंदाज़ा नहीं था, उस अंगूठी की कीमत में तो कई किलो गुड़ आ जाता और आपने एक मामूली से गुड़ की वजह से अंगूठी दे दी। वो दुनिया को गुड़ की डल्ली की तरह तुम्हारे सामने पेश करेगा, लेकिन तुम कभी दुनिया की खातिर अपने ईमान को जाया ना कर बैठना। तो ये ईमान इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ईमान कितनी कीमती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक में है कि जब कोई इंसान मुसलमान होता है अल्लाह ताला हालत कुफ्र के जितने भी उसके गुनाह होते हैं सब माफ़ फरमा देते हैं। अब एक इंसान है, मिसाल के तौर पर उसकी 100 साल ज़िंदगी है, उसने 100 साल में हर गुनाह किया, शिर्क किया, शराब पी, जिना किया, सूद खाया, रिश्वत दी, रिश्वत ली, गैर महरम महरम की कोई तमीज़ सारी ज़िंदगी नहीं की। 100 साल गुजर गए, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने 100 साल बाद उसको ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो हदीस मुबारक में 100 साल के जितने बड़े बड़े गुनाह थे अल्लाह सब माफ़ फरमा देते हैं। ये ईमान इतनी कीमती चीज़ है, पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं अल्लाह ताला। हदीस मुबारक में है कि जब कोई इंसान कलमा पढ़ता है और इस्लाम में दाखिल होता है तो एक फरिश्ता उसके कलमे को लेकर आसमान की तरफ जाता है और ऊपर से एक फरिश्ता ज़मीन की तरफ आ रहा होता है। तो रास्ते में इन दोनों फरिश्तों की मुलाकात होती है। तो नीचे से जाने वाला फरिश्ता जो है ऊपर वाला, इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो ऊपर से आने वाला फरिश्ता पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि भाई फलां शख्स ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है, ईमान कबूल किया है, तो अब उसके ईमान को इस्लाम को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। फिर नीचे से जाने वाला ऊपर से आने वाले से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है जिस बंदे ने कलमा पढ़ा है मैं उसकी मग़फ़िरत का परवाना लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह ताला को ये ईमान कबूल करना किसी इंसान का इतना ज़्यादा अजीज़ है कि ये बंदे ने ईमान कबूल किया। यही तो ईमान था, यही तो दीन था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाने के लिए कितनी तकालीफ बर्दाश्त की। आप अंदाज़ा तो लगाएं ना कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में कुछ काफिरों ने घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मारना शुरू किया, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, हत्ता कि काफ़ी देर मारने के बाद वो वहाँ से चले गए। तो घर में इतला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला पानी लेकर तशरीफ़ लाई, पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ धोए, चेहरा मुबारक को धोया। तो बेटी ने जब वालिद की यह हालत देखी तो आँख में आंसू तो आने ही थे, रो पड़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों रोती हैं। उनका अल्लाह के नबी, आप वालिद भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के हुक्म को दुनिया में पहुँचाने के लिए आए हैं, लेकिन ये काफरों ने आपके साथ क्या हाल किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जिस पैगाम को लेकर मैं इस दुनिया में आया हूँ अल्लाह उस पैगाम को हर कच्चे और पक्के घर में पहुँचा देंगे। इस दीन की खातिर नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी तकलीफें दी और आज वही दीन हमारे पास है, वही ईमान है, लेकिन हम उसकी कदर और कीमत को नहीं जानते हैं। आप देखें ना कि दुनिया में हर महबूब और उसका मुहिब, मोहब्बत करने वाला और जिससे मोहब्बत की जाए, मुहिब ये चाहता है कि मैं अपने महबूब को कोई तकलीफ़ ना दूँ। मोहब्बत करने वाला क्या चाहता है कि जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ उसको कोई तकलीफ़ ना हो। माँ को औलाद से मोहब्बत होती है तो वो चाहती है कि तकलीफ़ों और परेशानियों से दूर रहें, बचते रहें। खावंद अपनी बीवी के लिए ये कोशिश करता है, औलाद अपने माँ बाप के लिए कोशिश करती है कि इनको कोई दुख ना पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे। तो नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के महबूब थे।
तो अल्लाह ताला अगर चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास अर्श पर बिठा लेते कि मेरे महबूब, आपको मैं दुनिया में नहीं भेजता, क्योंकि दुनिया में जब आप जाएंगे लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, वहाँ का माहौल आपके खिलाफ हो जाएगा, वहाँ पर आपको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, क्यों? ये बताना मकसूद था कि लोगों, मेरे महबूब का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह के बाद नबी अलैहिस्सलाम का मकाम है, लेकिन मेरे दीन का मकाम कुछ और ही है। इस दीन की खातिर नबी अलैहिस्सलाम के दंदान भी शहीद हुए हैं, इसी दीन की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैबे अबी तालिब में भी गए हैं, इसी दीन की खातिर घर बार छोड़ के हिजरत करनी पड़ी, इसी दीन की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा को शहीद होना पड़ा। और आज वही दीन हम तक पहुँचा है और वो दीन हम उसकी इतनी अहमियत को भी नहीं जान पाते। इस पर हज़रत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अशार लिखे, वो फरमाते हैं, ए खासा खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आ के अजब वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है, वो दीन हुई बज़्म जहां जिससे चरागा, आज उसकी मजालिस में न बत्ती है न दिया है, जो दीन के था शिर्क से आलम का निगहबाँ, अब उसका निगहबाँ अगर है तो खुदा है, जिस दीन ने दिल आके थे गैरों के मिलाए, उस दीन में खुद भाई भाई से जुदा है, छोटों में इताअत है न शफ़क़त है बड़ों में, प्यारों में मोहब्बत है न यारों में वफा है, फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबाँ, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। तो आज हमारे दरमियान ये हालत है उस दीन की, जिस दीन को पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकालीफ बर्दाश्त की। तो इसलिए हमें इस बात की अहमियत को जानना है कि ये जो ईमान हमारे सीने में है ये बहुत कीमती नेमत है। माल भी इतना कीमती नहीं है, जान भी इतनी कीमती नहीं है, इंसान की इज्जत आबरू भी इतनी कीमती नहीं है जितना कीमती इंसान का ईमान है। इसलिए इस ईमान की कदर करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चार बातें आपके सामने ये आजिज अर्ज करेगा ईमान के हवाले से, कि ये चार बातें ईमान के हवाले से हमें याद रहनी चाहिए। नंबर एक, कि ईमान मिलता है तलब के साथ। हम लोग एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, माँ बाप मुसलमान थे, उन्होंने बचपन से ही हमें दीन सिखाया, हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी इम्तिहानात लेते रहते हैं कि मेरा बंदा कैसा है। अगर तो हम सही मायनों में मुसलमान हुए, ईमान वाले हुए, तो जाते हुए भी अल्लाह ताला ईमान के साथ दुनिया से जाने की तौफीक देंगे। अगर दिल में तलब नहीं हुई तो कितने लोग हैं जो बग़ैर कलमे के इस दुनिया से चले जाते हैं। एक डॉक्टर ने एक किताब लिखी जिसमें उसने 100 ऐसे लोगों के वाक़यात लिखे कि उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 100 वाक़यात मरते वक्त लोगों को देखा, और उसमें उसने लिखा कि सब के सब मुसलमान थे, कलमा गो थे, ईमान वाले थे, और मैंने 100 के 100 लोगों को मरते वक्त कलमा भी पढ़ाया, 100 में से सिर्फ 2 लोगों ने कलमा पढ़ा, बाकी बग़ैर कलमे के इस दुनिया से चले गए। हालांकि सारी ज़िंदगी मुसलमान थे, ईमान वाले थे। फरमाता है वो डॉक्टर साहब कि मैंने 1-2 बंदों से पूछा कि मैं तुम्हें जो कलमा पढ़ा रहा हूँ तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही है। जिस तरह फालिज हो जाता है ना इंसान का जिस्म, उसका साथ नहीं देता, अल्लाह ताला फिर आखिरी वक्त में ज़ुबान पर फालिज पैदा फरमा देते हैं, ज़ुबान साथ ही नहीं देती, क्योंकि ज़िंदगी में ईमान की कदर ही नहीं की होती, बेतलबी का मुजाहरा किया होता है। तो फ़कत ये नहीं है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए अब हमारा हक बन गया, नहीं, अल्लाह बहुत बेनियाज ज़ात है, इसलिए तलब होनी चाहिए, शुक्र होना चाहिए। आप देखें कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि
کہ وقت کا نبی بھی ہو اور اس کے بیٹے اور بیوی کے دل میں اس ایمان کی طلب نہ ہو، اللہ ان کو بھی بغیر ایمان کے موت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ کشتی پر چڑھ جاؤ کیونکہ ابھی طوفان آئے گا اور یہاں پر سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ لوگ حیران تھے کہ اس صحرا میں کیسے طوفان آ سکتا ہے۔ ان لوگوں میں ان کا بیٹا بھی تھا اور ان کی بیوی بھی تھی، وہ بھی حیران تھے کہ صحرا ہے، یہاں پانی کیسے آئے گا۔ تو انہوں نے ایک نبی کی بات نہیں مانی۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے پاس آ جاؤ۔ لیکن بیٹا نہیں آیا تو بے ایمان اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا نہیں فرمائی، دل میں طلب نہیں تھی۔ طلب نہ ہو تو وقت کا نبی کا بیٹا بھی اس دنیا سے بے ایمان چلا جایا کرتا ہے۔ تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا تو حق بنتا ہے، بھائی ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ نبی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو دل میں طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے،